सोयाबीन की सब्जी के बारे में। पालक मेथी भथुआ की तरह सोया की सब्जी भी बनाई जाती है। यह अन्य सब्जियों के मुकाबले अधिक फायदेमंद है हड्डी और डायबिटीज व हाई ब्लड प्रेशर के लिए आदि औषधि मानी गई है। हर हिस्सा है काम का। आमतौर पर इसका उपयोग लोग सब्जी बनाने में करते हैं, परंतु हम इनके फूलों का उपयोग कर सकते हैं। इसके फूलों का उपयोग हम सलाद सजाने में व भाजी के साथ भी पका सकते हैं। इसकी तनों को भी हम भाजी के साथ पका सकते हैं। जब बनाएं तभी तैयार करें। सोया बहुत कोमल भाजी होती है। इसे धोकर काटकर रखने से इसकी खुशबू चली जाती है, स्वाद भी खत्म हो जाता है। इसलिए इसे धोकर व काटकर तुरंत पकाएं, स्वाद बरकरार रहेगा। सही तरीके से काटें। ये नाजुक होते हैं, इसलिए इन्हें धार वाली चाकू काटने की वजह तेज धार वाली चाकू से ही काटें। कहाँ कहाँ करें उपयोग? इसका उपयोग हम सलाद, पास्ता, चावल, नूडल्स, साबुदाने की खिचड़ी, चावल की खिचड़ी, रायता, चटनी आदि में डालकर इसका उपयोग कर सकते हैं। सोया पर बनाई हमारी यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।